मैडम देखिए मैडम आप आई हैं इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं काफी हमको ताकत मिल रहा है इसलिए पर सर समय सीमा है ना ठीक है सीमा है तो हम लोग सीमा का उल्लंघन नहीं ना करेंगे उल्लंघन करने पर तो सजा हो ही नहीं जाता है इतिहास है हमारा महोदय इसमें हम अन्ना जी के द्वारा उठाए गए सवाल पर हमारा दल हम लोग खड़े हैं लेकिन भ्रष्टाचार का कानून बना दीजिए महिला एट्रोसिटी कितनी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है कितना मर्डर खून देश में हो रहा है कानून तो बना हुआ है और पैसा जितना कानून आप बनाइएगा तो हम आपसे रुपया लिया हम पोस्ट ऑफिस में आ घर पर आ नहीं रखेंगे आप इनकम टैक्स में खबर नहीं करेंगे दे आएंगे कोई पूंजीपति को रखे रहना जरूरत होगा तो देना आ जब जरूरत होगा तो बोला आपका पैसा हमारे यहाँ कहाँ है ठेंगा दिखा देगा जो कानून बन रहा है बने ठीक है बढ़िया से ठोक ठेठा के बनावे लेकिन इसमें जो कैंडल जलाने जा रहा है लोग उस फिराक में है कि अब पैसा ही लोग कोई लेगा तो हमारे यहाँ जमा करेगा हम मालूमाल जानिए पहला सदी में आज सब खेला है एनजीओ का सब खेला है एनजीओ का आज आप बोल दीजिए कि एनजीओ इसमें नहीं रहेगा कल से खत्म हो जाएगा सरकार का जो बिल आया है पूरा थोरो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं पढ़ेंगे उसमें एनजीओ को इन्होंने रखा है आ सो कर जन लोकपाल बिल है उसमें एनजीओ ये जानना ना चाहिए हम उस दिन भी कहा था कि सब भाई सब माननीय सदस्य को माइनोरिटी पढ़ लीजिए आप सब अध्ययन कर लीजिए अब बताइए सोशल जस्टिस मायावती से लेके मुलायम सिंह यादव से लेके शरद यादव जी से लेके सब लोग गोपीनाथ मुंडे ये मामूली आदमी हैं इनके पिताजी मजदूर कटर काटने वाला लोहा काटने वाला मजदूर ये इंसान वहां गए वहां पर रामलीला मैदान में क्या बोला वो किरण बेदी ने ये सब चोर हैं घेर लो मत कर ले दो उस दिन जब खबर किया वहां ऑल पार्टी मीटिंग का कि केजरीवाल ने क्या खबर किया साथियों पुलिस अफसर हमको फोन किया है कि 4 बजे भोर में अन्ना जी को उठा लिया जाएगा अन्ना जी उठ गए उनको कह दिया वो बोले कि सुनो हिंसा मत करना तुम लोग हमको घेर लेना और सवेरे से सब एमपी के घर को घेर लेना ये मीडिया के लोगों को कहना चाहिए था ना दूसरे दिन पूछना चाहिए था ना हे केजरीवाल तुम किस आधार पर मिसलीड किया देश को आग लग जाती और किसी का बच्चा जला दिया जाता आप हम हो जाते हैं और इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है देश और राज लुंज पुंज नहीं चलता है देश और राज चलता है तो रोग से चलता है वही अन्याय नहीं करना चाहिए और इन चीजों को पढ़िए सुप्रीम कोर्ट मीडिया के जो लोग हैं सभी मीडिया नहीं सभी प्रिंट मीडिया नहीं ये रिपोर्टर नहीं रिपोर्टर तो कुछ दिन में ही लोग अपना लिखना पढ़ना रिपोर्टिंग करना भूल जाएगा जो इनका मालिक है जो डिक्टेट करता है ये क्या करेंगे लड़के युवा वही सर एनजीओ को लाइए अब ये हत्या चर्चा के बाद फिर चर्चा और आज के चर्चा में मेरा सुझाव है सुब्रमेसी अब पार्लियामेंट को हम संविधान को एक इंच भी हिलने डोलने नहीं देना चाहते मुझे खुशी है कि सभी दल के लोगों ने आज सबको हम लोग को चेतना आई है कि नहीं हम एक हैं और एक होकर के जो सवाल है वो अलग है लेकिन इस मंदिर को हम दहने नहीं देंगे चाहे कोई भी ताकत होगा या कोई भी बात होगा ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है
और आज के प्रस्ताव कोई प्रस्ताव नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टी जितने भी लीडर बोले हैं, ये पूरी प्रोसीडिंग को आप स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आज जिनको आना हम आपका वोटिंग किस बात का, इस चीज का वोटिंग होगा, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। और राष्ट्रीय सहमति यहां सुप्रीम कोर्ट के आज इंडियन एक्सप्रेस में सुना है, छपा है, एक सालवे जी ने कहा, आओ वरिष्ठ एडवोकेट है सालवे जी का, कई एक दिन से छप रहा है कि क्या हो रहा है हरीश सालवे का इस देश में, क्या सुपर पावर जजों के ऊपर, ये लोकपाल कौन है प्रतीक्षा में बैठा हुआ, लोकपाल किसके लिए फिक्स हो रहा है लोकपाल की बात, अब कौन बनेगा हमारे ऊपर, पार्लियामेंट के मेंबर को कहा जा रहा कि पार्लियामेंट के मेंबर को ला उसमें, हम तो जो अभी हैं मेंबर हम लोग हैं, रिटायर एमपी को भी लाया जा रहा है, रिटायर एमपी जो बुढ़ा बेचारा बुजुर्ग हो गया और गांव में है, पेंशन पर जी रहा होगा, नून रोटी चल रहा होगा, ये आपके सरकारी बिल में है, इसको गलत, ये गलत है। आज का चर्चा भी संविधान के खिलाफ है, लेकिन अब हो गया, रिलैक्स कर लिया, आप लोग को पावर है रिलैक्स करने का, तो आप कर लिया तो हम लोग भी बोल लिया, लेकिन आगे से फर्दर फिर इस तरह का गलती मत करिएगा, न तो आने वाला इतिहास आपको हमको माफ नहीं करेगा कि जो बाहर से कोई बोले और उसके डिक्टेशन पर गला न गला लगा के और जाके उस उलझन में देश को फंसा के और नाश करके, तो इस संसद की कोई जरूरत नहीं है, यही मैं बोलते रहा हूँ। अच्छा बताइए कौन ओमपुरी है, कहा कि सब गंवा रहा है, सुना कि कौन सब फिल्मी कलाकार सब क्या सब हम लोग को पढ़ा रहा, हम लोग को देश को पढ़ा रहा फिल्मी कलाकार, हाँ नहीं नहीं ये कलाकार सब कौन, विशाखा पिचासा कौन कलाकार सब है बंबई में बैठा हुआ, बंबई में आज भी ये सब क्या बना कर रखा है, और थोड़ी ना मनोज तिवारी को तो आप लोग अपने पार्टी में रखा था, मोबाइल पार्टी में, इसलिए फिर देखिए ये बात सुना ना भाई, ये कुछ भी आप किया कोई भी चीज आप लोग बोले, हम लोग देखिए अन्ना जी का अंसर नहीं तोड़ने देगा सब, अन्ना जी के जीवन पर वो सब खतरा पैदा करेगा, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए बढ़िया से, वो अन्ना जी को सही बात नहीं बुला रहा है सब, इसी झाका झक में उस महान नेता को सीधा सपाटा नेता को ये सब मार देगा, असारा फिक्स कर देगा, पार्लियामेंट पर सरकार पर फिक्स कर देगा, इसलिए उससे क्यों डरते हैं, रिकॉर्ड में केवल लालू जी का जाएगा, लाख हम लोग एकता दिखा रहे हैं, वो लोग नहीं मानेंगे, नहीं होने देगा वो सब, तो उसमें सब एनजीओ का है, एनजीओ इसमें आया हुआ है ये सरकारी बिल में, और इसमें कॉर्पोरेट हाउस से लेके पेड मीडिया सारा चलो पूरा सारा देश का, और हम तो ये कहते हैं ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये नारा लगाते थे, क्या नारा लगाते थे कि सारे देश के प्रॉपर्टी जिसका भी हो, खेत हो, लैंड हो, फार्म हो, अपार्टमेंट हो, लाल धन हो, पीला धन हो, काला धन हो, आज कहे नहीं बोल रहे हैं, हम तो कहा थाना जी को कि सारे संपत्तियों को चाहे जिसका भी है सबको टेप को भर करके नेशनलाइज करो और रिडिस्ट्रीब्यूट करो, सारा आदमी पकड़ा जाएगा इसमें ज्यादा, लेकिन आप लोग चुप हो जाते हैं, अपना नारा छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दिया, कोई उपाय नहीं है, कोई भी अगर गलती किया है पूछा जाके तुम ही कहां से लाया, कागज दिखाओ, सब फ्लैट के पास जाओ, काहे जमीन लूट पड़ा क्यों, एक्सटेंशन में टेंशन हो रहा है, मासा बना के सब लोग रखा है, इसलिए
नारे नहीं बदलना चाहिए, इरादे नहीं चकनाचूर होना चाहिए, ये नारे नहीं हो। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अनाजी अनाजी अनाजी। आज जब बांटने का सवाल कानून बनाने का आता है तो धन और धरती बट कर रहेगा, अपना अपना छोड़कर, नहीं ना हो रहा, यही हो रहा। ये हम मेन रूप, यह अन्नाजी को भी हमने कहा था, हम कहा कि आपके साथ है, हम खड़ा हो जाएंगे लाठी लेके, इसी को उठाइए ना, इसी से न खत्म होगा बात। तब बोले कि अब तो अनाउंस कर दिए हैं हम, अब बाद में इसको देखेंगे। सुरक्षा से लेके सब तरह का उनको प्रार्थना हम लोग भी करते हैं, कोई देख रहे होंगे लोग तो बतावे सर, मीडिया के लोग भी देखो भाई, ये देश रहेगा संस्था रहेगा तो आपका भी रेडियो चलेगा, आपका भी प्रोफेसाइज चलेगा, सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं, वी आर क्रिएटर ऑफ न्यूज। और हम लोग को ही गाली दिलवा रहे हो, गाली दे रहे हो, बताइए। डिबेट में बैठाता है इनको, जो टोपी पहन लिए थे डर के मारे, संजय निरूपण उसमें पढ़ दीजिए, आपको दिया गया पढ़ दीजिए। हाँ, तो इसमें कहीं भी पिछड़ा दलित माइनॉरिटी कहीं दिखता नहीं है, महिला दिखती नहीं है। महिला का विरोध करते हैं हम एमपी के मामले में, लेकिन ये जो जो भी बिल बने, सुनिए, वन थर्ड महिला, बैकवर्ड क्लास से सिटीजन ऑफ इंडिया, दलित और मुस्लिम भाइयों को आपको इसमें देना पड़ेगा, नहीं तो जो भी सहमति से बनाइएगा तो हम लोग का झंझट जारी रहेगा। और मुंडे जी, आप दबिए मत जहां हैं वहां। अडवाणी जी पूछिए, गोविंदाचार्य जी ने कल जाके भाषण कर दिया, इस भीड़ में 10% आरएसएस का लोग है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, आप नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, बनिएगा बनिएगा तो बनिएगा तो। अब हम लोग इसलिए विरोध करते हैं कि आप लोग का रास्ता गड़बड़ है, इसलिए इसमें सब लोग को हम लोग को सोच के समझ के पूरा डिबेट करके इतिहास नया गढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये हिस्टोरिकल बहस नहीं है, ये नया सोच नई सजना, इसलिए सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सारे लोगों को, और जिन लोगों को भी आना है हम लोग बुलाएंगे। हालांकि रामदेव जी का विरोध किया, हम रामदेव जी को भी बुलाएंगे, हम बोले बोले स्टैंडिंग कमेटी में सब दल का लोग। इसलिए सभी लोगों से मेरा अपील है, आप सब लोगों से, सब दल के लोगों से, इस संस्था को मिटने मत दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जैसे सांप का नाक रगड़वाता है, ये दुर्दशा मत करवाइए। अन्ना जी से हम लोग का अपील है कि देखिए, आपके इर्द गिर्द में लगा हुआ लोग, वो अपने स्वार्थ के चलते आपको सही राय नहीं दे रहा है, आप बंद कर दीजिए, आपका मूल्यवान जीवन है इसमें आप लोग लगिए और आप लोग छोड़िए। और बड़ा से बड़ा भी आंदोलन पोस्टपोन किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, गांधी बाबा ने किया, सब लोगों ने किया, गांधी बाबा नहीं बोले कि जाके घेर लो, हर एमपी का घर में बाल बच्चा है, बच्चे हैं, कौन कौन तत्व मान लीजिए घुस गया साथ में चला गया, वो धन्यवाद देते हैं ये वो जो है क्या नाम है नवीन जिंदल को, ये नवीन जिंदल लड़ के राष्ट्रीय झंडा हर घर पर, हर साइकिल पर, हर मोटर में फहराया जा लड़ के, ये नवीन जिंदल का योगदान है कि तिरंगा झंडा लेके सब लोग घूम रहा है, कार में जा रहा है, सब एगो खिड़की में इधर निकाले हुए हैं, दूसर का खिड़की में उधर निकाले हुए हैं। आप वहाँ खोल, वो किरण बेदी बोली दारू पी के यहाँ बताइए, दारू होकर मैं नहीं कोई आएगा, खुद वो बोली जो देखा, जो टीवी चलाया, इसलिए है टीवी वाले लोगों पूरी लोग, इसको लोकतंत्र को बचाओ, संस्था को बचाओ, ये सब देश को बचाओ, सही सुझाव दो, आप भी दो, चौखम्मा में आप लोग हैं, आपके दुश्मन हम लोग नहीं हैं, आप सब लोग लग करके अब बेहतर राष्ट्रीय सहमति से, जिसमें एक से एक विद्वानों का इन्वॉल्वमेंट हो,
और तब हम लोग भी सरकार पर कंपेल करेंगे। और सरकार पर क्या कंपेल करना है, हम लोग सब तय करेंगे, यह संसद तय करेगा, यहाँ से बनेगा। इसलिए हाँ हाँ संसद यहाँ से यही ना तय होगा, हमारे कहने से नहीं तय करेगा कि लॉ मेकिंग बॉडी यही ना है बॉडी। और इस पर उंगली था बताइए, बच्चियों को बैठा देता है लोग कहें, बंडी पहना देता, नेताओं को क्या कमेंट करवा रहा था, क्या हेट्रेट पैदा करवा रहा था। बोलता मन है मैला दिल है काला, ओ ओ करो। लालू जी कृपया समाप्त करें। अपील है सभी दल, सभी माननीय सांसदों, सभी नेताओं से अपील है कि जिन दलों का जो भी स्टैंड हुआ, हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते तीन पॉइंट वाला पर, जुडिशियरी के ऊपर अंकुश लगाने के हम सख्त विरोधी हैं। बाकी जो अपॉइंटमेंट के लिए जो आपने कहा है सुषमा जी ने, हाँ, कमीशन बने, लेकिन जुडिशियरी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, वो न महसूस करें, नहीं तो एनार्की हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग हर जगह बेमाने लोग हैं, राजनीति में बेमाना, जजेज में बेमान, सब ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हैं, हर अच्छे लोग को भी बदनामी नहीं होनी चाहिए। और अपील हमारा है सरकार से, पूरे सदन से, कि सारे प्रोसीडिंग का, सभी लोगों का भाषण का संग्रह करके और भेजवा दीजिए स्टैंडिंग कमेटी में। इस फोरम का अगर वायलेशन करते हैं आप कांग्रेस के लोग, कांग्रेस सत्ताधारी दल, तब मेरा मानना होगा कि आप जो है संविधान के साथ, संसद के साथ आप लोग भी खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे नतीजा जो भी होगा, अनशन तोड़वाइए, जाइए, अपील तो करिए। अब क्या करें, हर्दी गुर्दी तो सब बोल दिया, हम माने नहीं, ये सब हमने कहा था। वहां बैठी हुई है दीदी सुषमा जी ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम लोग तो जाएंगे तो लोग भड़केगा, क्योंकि हमने यही कहा था कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, हमने यही कहा था कि इस देश में दोबारा दूसरा कोई गांधी नहीं हो सकता, लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता, हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर उल्टा पुल्टा लालू विरोध कर रहा, लालू विरोध कर रहा, लालू चाहे जो भी हो तो हर बात में तो आगे हम ही को खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए इसमें आपसे निवेदन है कि पूरी बात को भेजिए, अन्ना जी सहित उनके और जो साथी है छांट उठ के भेजेंगे किसी को, तो हम लोग सब सुनेंगे, फिर आपके पास समझ के आपको लाएंगे, आप जैसा पास करिएगा उसके साथ हम लोग सब रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।